हेलो एवरीवन, तो आइए जानते हैं बी कीपिंग के बारे में। बी कीपिंग स्ट्रिक्टली बीज का यहाँ मतलब है हनी बीज से, और उनको पालना किसी पर्पस के लिए जो कि अक्सर होता है हनी का प्रोडक्शन या वैक्स का प्रोडक्शन या फिर पॉलिनेशन के लिए, इनको बॉक्सेस में रखना और फिर इन बॉक्सेस को जो है रेंट किया जाता है काफ़ी सारे ऑर्चर्डिस्ट के थ्रू। और कैलिफोर्निया में एक्चुअली ये बहुत ही बड़ा इवेंट होता है जब बहुत सारे बी बॉक्सेस एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं पॉलिनेशन के लिए, जहाँ पे आलमंड ऑर्चर्ड्स होते हैं, आलमंड ऑर्चर्ड्स में क्रॉस पॉलिनेशन के लिए ये बी बॉक्सेस एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि बीज जो है पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करती हैं, इसीलिए अगर इमेजिन किया जाए कि अगर बीज नहीं है तो हार्डली 3 ईयर्स तक ही दुनिया चल सकती है, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फूड भी नहीं होगा और बिना फूड के जो है कोई भी इंडिविजुअल नहीं रह सकता। तो बी कीपिंग एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट बन जाता है एग्रीकल्चर का, प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ से ही नहीं बल्कि एक अच्छे इकोलॉजिकल बैलेंस की वजह से भी। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। बी कीपिंग की डेफिनेशन से हम शुरू करेंगे। बी कीपिंग या फिर इसे कहा जाता है एपीकल्चर। एपीकल्चर इसलिए क्योंकि हनी बीज जो है वो एपिस जीनस से बिलोंग करती हैं और इसीलिए इसको एपीकल्चर कहते हैं। इट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ बी कॉलोनीज कॉमनली इन अ मैन मेड हाइव बाय ह्यूमंस एंड मोस्ट सच बीज आर हनी बीज इन द जीनस एपिस। अ बी कीपर और एपियरिस्ट कीप्स बीज इन ऑर्डर टू कलेक्ट देयर हनी एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट द हाइव प्रोड्यूस such as bee wax, propolis, flower pollen, bee pollen or royal jelly to pollinate crops or to produce bees for sale to the other beekeepers. तो purposes अलग अलग हो सकते हैं कि आपको product चाहिए honey bee से या फिर आपको bees से bees बनानी है। A location where bees are kept is called an apiary or a bee yard. In India, R.N. Mathew was the pioneer worker in starting beekeeping with Indian honeybee Apis serena indica in the early 1930s. Beekeeping with European honeybee Apis mellifera was started by Dr. A.S. Atwal and his team members O.P. Sharma and N.P. Goyal in Punjab in early 1960s. It remained confined to Punjab and Himachal Pradesh up to the late 1970s. Later on its 1982, Dr. R.C. Sihab, who was working with the Haryana Agriculture University, Hisar, Haryana, introduced and established this honeybee in Haryana and standardized its management practices for semi-arid tropical climates. इससे पहले जो है ये सिर्फ ठंडी जगहों पर naturally grow किया जाता था, उसके लिए कोई artificial बड़ा setup नहीं लगता था और उसको जो local लोग हैं वो अपने घरों में दीवारों में hole करके वहाँ पर इनको rear करते थे और उनसे इनका honey लेते थे। फिर बाद में ये डॉक्टर आर सी सिहाग को ये क्रेडिट जाता है कि वो इसको सेमी एरिड एरिया में लेके आए, सब ट्रॉपिकल एरियाज में लेके आए और वहाँ के लिए प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज किया। नाउ बी कीपिंग विद एपिस मेलिफेरा प्रीडोमिनेट्स इन इंडिया। सम हनी बीज आर वाइल्ड, द लिटिल हनी बी फॉर एग्जाम्पल दैट इज एपिस फ्लोरिया, जायंट हनी बी that is Apis dorsata, one of the dangerous bee, rock bee Apis laboriosa। बीज की कॉलोनी में तीन तरह की कास्ट होती हैं, जैसे टर्माइट्स में भी इस तरह का कास्ट सिस्टम होता है, ऐसे ही बीज में होता है। तीन तरह के इसमें मेंबर्स होते हैं। एक होती है क्वीन बी जो कि एक ही होती है, देन वर्कर बीज होती हैं और इनके नंबर्स जो हैं 30,000 से 50,000 हो सकते हैं एक हाइव में, और होते हैं ड्रोन्स जो कि मेल बी होती हैं। एसेंशियली सभी वर्कर बीज
फीमेल बीज होती हैं। क्वीन का काम सिर्फ ब्रीडिंग करना होता है। क्वीन सबसे लार्जेस्ट बी होती है किसी भी हाइव में। उसके बाद जो सेकेंड लार्जेस्ट बी होती है वो होती है आपकी मेल ड्रोन्स जिन्हें कहते हैं, और इनका काम भी जो है वो ब्रीडिंग से जुड़ा हुआ होता है। वर्कर बीज का काम फूड आइडेंटिफाई करना, फूड लेके आना हाइव के अंदर, टेम्परेचर को मेंटेन करना, रॉयल जेली बनाना, रॉयल जेली को कलेक्ट करना, ब्रूड को सेलेक्ट करना, और कौन सी बी फीमेल जो है वो क्वीन बन सकती है उसको आइडेंटिफाई करना। और जब भी क्वीन पुरानी हो जाती है तो फिर ये जो बीज होती हैं ये क्या करती हैं, हाइव्स को डिवाइड कर लेती हैं। कुछ बीज का ग्रुप जो है वो उड़ के दूसरी जगह चला जाता है और वहाँ नया हाइव बना लेता है और वहाँ पर नई क्वीन को एस्टैब्लिश करता है। तो इसे इस प्रोसेस को बोलते हैं स्वार्मिंग। स्वार्मिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता है कि अब वो नई क्वीन बनाना चाहते हैं। कभी कभी टेम्परेचर बढ़ने से, रेस्टलेसनेस होने की वजह से भी स्वार्मिंग होती है। द क्वीन इज द ओनली sexually mature female in the hive and all the female worker bees and male drones are her offsprings. The pollen is protein-rich food for developing larvae, while honey is also food but largely energy-rich rather than the protein-rich food. तो अगर प्रोटीन की जरूरत है तो पॉलन्स को यूज किया जाता है, और जो हनी है, हनी एक्चुअली जो है रिच है आपके कार्बोहाइड्रेट्स में, तो एनर्जी के लिए जो है इसको यूज किया जाता है। द नर्स बी वो होती हैं जो ब्रूड्स का ख्याल रखती हैं। ब्रूड्स एक्चुअली एग्स हैं हनी बी के। द नर्स बीज दैट केयर फॉर द डेवलपिंग ब्रूड सिक्रेट अ स्पेशल फूड कॉल्ड रॉयल जेली आफ्टर फीडिंग देमसेल्फ ऑन हनी एंड पॉलन। तो क्या करती हैं, पॉलन्स जो है कलेक्ट करके लाती हैं, नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं ये बीज ऑफे जो हैं, जब ये उसको अपने गट्स में रखती हैं और फिर वापस वोमिट करती हैं। वोमिट करने के बाद में जो है इनके सलाइवा भी जो है मिक्स हो जाता है उस नेक्टर में और जो पॉलन कलेक्ट करके लाती हैं उसमें, और इससे ये बनाती हैं रॉयल जेली। रॉयल जेली जो है वो सिलेक्टेड ब्रूड्स को फीड कराई जाती है जिनको डेजिग्नेट किया जा रहा है कि ये क्वीन बनेंगे। To replace the queen bees, adopt superseding or replacing or superseding the queen without swarming or swarm cell production or dividing the hive into two colonies through swarming. Swarming क्या है? Movement of group of bees from one hive to the other place to make the other another hive. Some beekeepers may monitor their colonies carefully in spring and watch the appearance of queen cell, and which are automatic signal that the colony is determined to swarm. जब queen cell बनने लगती है तो इसका मतलब ये है कि अब जो है swarming होने वाली है, क्योंकि नई queen अब बनाने की तैयारी चल रही है. Six species of bees of commercial importance are found in India, that is Apis dorsata, the rock bee, Indian rock bee or Indian bee, the Himalayan species of Apis, Levoriosa, Apis serena, indica, Indian hive bee, Apis floria, dwarf bee, Apis mellifera, European or Italian bee and Melipona and Trigona, इनको डेमर या stingless bees भी कहते हैं। Beekeeping can be done by domesticating two species of honeybees with Apis serena or Apis mellifera depending upon the floral condition and capability of investment. ये Apis mellifera जो है सबसे easily domesticated bee है, इसकी management जो है वो बहुत easily की जा सकती है, तो beekeeping में अक्सर इसका इस्तेमाल होता है। इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर बनाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका काम है बी कीपिंग को प्रमोट करना अमंग फार्मर्स और बी कीपिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके यूज को प्रमोट करना। ये जो इंटीग्रेटेड बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर है इज लोकेटेड एट रामनगर कुरुक्षेत्र and is one of the first project in the country established by the Department of Horticulture, Haryana.
एंड देयर इज नेशनल बी बोर्ड न्यू दिल्ली व्हिच इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली. द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम टाइटल्ड डेवलपमेंट ऑफ बी कीपिंग फॉर इम्प्रूविंग क्रॉप प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द 8th प्लान. The scheme had various components covering research and development, production, distribution of honeybee colonies, organizing trainings and awareness programs, support for setting up the honey processing plant, etc. ये सभी ऑब्जेक्टिव्स के साथ में इस प्लान को, इस स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया था. देन वर्ल्ड बी डे आइडेंटिफाई किया गया है जो कि हर साल 20 मई को मनाया जाएगा. नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन भी जो है वो 2 ईयर्स के लिए लॉन्च किया गया था इन्हीं सभी प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करने के लिए कि ट्रेनिंग दी जाए और अवेयरनेस फैलाई जाए और हनी प्रोसेसिंग प्लांट्स को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए जो कि 2 साल के लिए था 18 और 19 ईयर में. And in the view of the budding importance of beekeeping, in 1981, the All India Coordinated Research Project AICRP on honeybee research and training. It was launched by ICAR involving agricultural universities. अब जब हम हनी प्रोडक्शन कर रहे हैं एपियरी में पेस्ट भी आते हैं और डिजीजेस भी आती हैं. वो कौन सी हैं वो जान लेते हैं आइए. तो जो पेस्ट हैं जो आपके एपियरी में दिखाई देते हैं वो है द ग्रेटर वैक्स मॉथ, गैलेरिया, मेलोनेला, द लेसर वैक्स मॉथ, एक्रोया, ग्रिसेला, आंट्स, वैस्प, हॉर्नेट्स, वेरोआ माइट, टोपिलेप्स माइट और ट्राकियल माइट और वेरियस बर्ड्स जो कि डायरेक्ट बीज को खाती हैं या फिर रूट्स को खाएंगी. आंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब डिवेस्टेटिंग हो सकती हैं क्योंकि शुगर है, मीठापन है, मोनोसेकेराइड्स होते हैं ज़्यादातर हनी में आपके, जैसे आपके जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं तो उसमें मोनोसेकेराइड्स जो है वो सबसे ज़्यादा होते हैं जिसमें कि फ्रक्टोज का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है. फ्रक्टोज है, देन फिर ग्लूकोज है और कुछ हद तक जो है वो डाइसेकेराइड्स बहुत ही कम होते हैं. तो इस वजह से क्या है कि अब चींटियाँ जो हैं बहुत अट्रैक्ट होती हैं आपकी ऐसी एपियरी की तरफ या बॉक्सेस की तरफ. तो उनके लिए क्या है, आंट वेल्स बनाए जाते हैं. आंट वेल्स, ये इसमें होता क्या है कि जैसे आपका ये बी बॉक्स है, बी बॉक्स एक स्टैंड पे है जिसके ऐसे 4 पैर हैं. तो क्या किया जाता है, कटोरियों में या फिर छोटे छोटे बर्तनों में जो है वो पानी भर के और इनके लेग्स को जो है उन कटोरियों के अंदर रख दिया जाता है. और ये क्योंकि चींटियां पानी में से होते हुए इस पे नहीं चढ़ सकती तो इसीलिए ये एक वेल का काम करते हैं इन चींटियों के लिए. और इस तरह से जो है बॉक्सेस को बचाया जा सकता है चींटियों से. एपियरी की डिजीजेस भी हैं तो बी बॉक्सेस में जो मेजर डिजीजेस आपको देखने के लिए मिलती हैं वो है अमेरिकन फाउल ब्रूट डिजीज जो बैक्टीरियल है, यूरोपियन फाउल ब्रूट डिजीज बैक्टीरियल है, चॉक ब्रूट डिजीज ये भी बैक्टीरियल है, देन सैक ब्रूट डिजीज ये वायरल डिजीज है एक, और है नोसीमा डिजीज जो कि एक फंगस से होने वाली डिजीज है. Thank you.